अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हमारी बज़्म कामरान में हमारी जो शरीक बज़्म है वो है मोहतरमा एडवोकेट सारा मालकानी साहिबा। सारा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा एडवोकेट सारा मालकानी, तो जाहिर है ये एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, राइटर बहुत अच्छी, इनके डॉन में आज अक्सर व बेशतर जो है आर्टिकल्स पढ़ने को जो है मिलते हैं। और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कोई भी जुल्म हो रहा हो, जिस तरह भी अपनी आवाज़ उसके साथ उस जुल्म के ख़िलाफ़ बुलंद करती हैं, एक भरपूर मजबूत बुलंद आवाज़ हर जगह आपको सुनाई देती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर का मामला हो, चाहे वो बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे वो सिंध के अंदर ट्राइब्स और ट्राइबल या गैंगस्टर इसकी बहस हो, हर मौजू के ऊपर, बच्चों की अर्ली मैरिजेस के ऊपर, कई मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बात ना करती हों, अपनी आवाज़ ना उठाती हों। आवाज़ उठाएंगी, लिखेंगी, और अगर कानूनी जंग लड़ना पड़ेगी तो वो कानूनी जंग लड़ेंगी उन लोगों के लिए, उन मजलूमों के लिए, उन डाउनट्रोडन्स के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सारा। सारा आज हम बात भी करेंगे, वैसे तो आपका हर केस जो है वो ऐसा है कि हर केस के ऊपर एक पूरा एपिसोड हो सकता है, वो पूरी स्टोरी होती है, जो एक आध खास केस कोई उठा लेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। मगर उस पर बात करने से पहले आप अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता है कि कौन सारा मालकानी आ गई जो मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाती हैं, हर जगह सारा मलकानी जो है वो नज़र आती हैं। तो और ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? आप कॉरपोरेट प्रैक्टिस भी कर सकती थी, हेफ्टी फीस ले सकती थी, तो ये लोगों के लिए लड़ना, उनके लिए आवाज़ उठाना, ये सब इसके बारे में आज आप बताएं। तो अब आपने तो बता ही दिया कि मैं एडवोकेट हूँ। बस एक मैं करेक्शन करूँगी, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ अभी तक, सुप्रीम कोर्ट में मेरी इनरोलमेंट नहीं हुई है। कराची में मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने अपनी वकालत अमेरिका से की। तो वहाँ पर मैंने, यहाँ पर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, ए लेवल्स ख़त्म करने के बाद, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट BA अमेरिका से किया, और फिर मैंने वहीं अपना लॉ डिग्री वहीं से ही मैंने लिया। और वहाँ पर फिर 2 साल मैंने कैलिफोर्निया स्टेट में लॉ प्रैक्टिस की। वहाँ पर जो मेरी प्रैक्टिस थी वो खसूसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रैक्टिस थी, और जिस जगह मैं काम कर रही थी, जिस लॉ फर्म में मैं काम कर रही थी, वो स्पेसिफिकली जो लेबर यूनियंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो वहाँ पर मैंने 2 साल प्रैक्टिस किया, लेकिन लॉ पढ़ने के दौरान भी और फिर प्रैक्टिस के दौरान भी मेरे जहन में था कि मैंने पाकिस्तान आना है वापस। ज़ाहिर है मेरी पैदाइश इधर थी और मेरी फैमिली ही इधर थी, और वहाँ पर मैंने सोचा कि अब मैंने 10 साल ऑलमोस्ट अमेरिका में मैंने वहाँ पर गुजार लिए हैं, और अब वापस आना चाहिए। और वो बहुत आसान फ़ैसला नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं उनको फिर वापस आने से काफ़ी डिस्करेज किया जाता है। और यहाँ पर आने से पहले मैंने कुछ सीनियर वकील लॉयर से भी बात की थी, तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर डिस्करेजमेंट ही होता था कि यहाँ पर एक तो मौशी हालात सही नहीं हैं, और फिर ये भी कहा जाता था कि औरतों के लिए तो और भी प्रोफेशनली मुश्किल होगा मगर सारा आगे जो बढ़ना। डिस्करेज भी करते होंगे वो आपके वेलविशर ही होंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब ही वो के लिए वो जेन्युइन, जी बिल्कुल बिल्कुल ये जेन्युइन होता है। और जैसे फैमिली की तरफ से भी उनका कोई ये मतलब उन्होंने कभी आने से रोका बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप शायद जानते होंगे कि कई दफ़ा तो खुद फैमिलीज़ लोगों के माँ बाप ही कहते हैं कि अगर आप बाहर जा गए हो, मुल्क से सेटल हो गए हो, तो फिर वहीं रहो, वापस मत आओ, वहीं बिल्कुल रहो। लेकिन खैर, उसके बावजूद भी फिर मैंने आने का फ़ैसला किया, और फिर मैंने यहाँ पर एक लॉ फर्म है यहाँ, वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए और इनरोलमेंट का पूरा प्रोसेस पूरा
करने के लिए, फिर मैंने वो वहाँ पर ज्वाइन किया और फिर अब जैसे मैंने कहा तकरीबन 10 साल हो गए हैं यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। राइट, तो आपको मतलब अब 10 साल के बाद कोई रिग्रेट तो नहीं है कि मैं क्यों आ गई? नहीं अब नहीं, कोई नहीं नहीं नो नहीं रिग्रेट नो एट ऑल, नो नो राइट। रिग्रेट नो रिग्रेट। और आपके वालिद भी क्या लॉयर थे? मेरे फादर का ज़्यादातर करियर पुलिस में गुजरा, तो अच्छा, लॉ इन्फोर्समेंट आप कह सकते हैं था उसका बैकग्राउंड था, लेकिन वकालत का नहीं था। सारा थैंक यू वेरी मच। आपने अपने फैमिली के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, दी एजुकेशन के बारे में बताया, आप लॉयर बन गई, एडवोकेट बन गई। ये जो जुडिशियल सिस्टम है पूरा, जैसे हम आम सुनते हैं और देखते भी हैं कि अमीरों के लिए कानून और गरीबों के लिए कानून, और क्या वाकई ऐसा है, कहीं इंसाफ मिलता भी है? आप तो लॉयर हैं, आप इंसाफ ही दिला रही होती हैं, मगर इन जनरल अगर हम बात करें इस सिस्टम के तहत, क्या गरीब को इंसाफ मिल सकता है? बहुत बहुत मुश्किल से, हाँ बहुत हाँ बहुत मुश्किल। मुश्किल से। और अब हम ये आई थिंक ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसाफ के जो 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 सिस्टम जिस तरह बनाया गया है, ना सिर्फ कि एक तो कवानीन होते हैं कि वो क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं कि ऑन पेपर जो व्हाट द लॉ सेज, फिर होता है कि जिस तरह हमारा पूरा इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म और सिस्टम है कि वो फिर कानून किस तरह अप्लाई किया जाता है, और जिस तरह है हमारा पूरा सिस्टम वो ऐसा है कि अगर जो गरीब या जो कमज़ोर तबके हैं, लेस प्रिविलेज तबके हैं, उनके लिए सिस्टम ऐसा है कि इंसाफ उनको देता नहीं है, अगर वो बहुत कोशिश जिद्दोजहद मेहनत करें तो शायद वो इंसाफ सिस्टम से छीन सकते हैं अपनी अपनी थ्रू थ्रू देयर ओन मोटिवेशन और थ्रू द हेल्प और असिस्टेंस ऑफ सर्टेन लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज़, या फिर कुछ उस सिस्टम के अंदर अगर कोई ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो जो इन जिनों जिनमें इतना शोर हो, इतनी कॉन्शियसनेस हो। लेकिन अगर हम सिस्टम एज अ होल देखेंगे तो फिर मैं यही कहूँगी कि उसमें इंसाफ मिलना अभी भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और ये जो लॉज बनते हैं, ये पूरी पूरी लॉज की जो बुक्स जी हैं, तो ये जो मतलब जो रूलिंग एलीट होती है, क्या ये लॉज अपने खिलाफ़ बनने देंगे? मतलब ये लॉ पास तो असेंबली से ही होते हैं, और असेंबली में कौन बैठा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा फिलोसफिकल मैं बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल आपसे देखिए, या अगर कोई और मतलब, चले हमारे यहाँ तो थर्ड वर्ल्ड है इसको कहेंगे, या मतलब एडवांस वर्ल्ड में हम नहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं और माशरे हैं जो बिल्कुल जो इसके थ्योरिटिकल है कि इंसाफ मिल गया, उस तरह सर्व होता है इंसाफ। देखिए, अगर हम हमारा जो आईन है, जो हम कहेंगे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, अगर आप उसको देखें एक पर्सपेक्टिव से, तो उसका एक पूरा चैप्टर है ऑन फंडामेंटल राइट्स, और उसमें पूरे रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एसोसिएशन, और जो राइट टू लाइफ है उसको फिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको इस तरह इंटरप्रेट किया है कि राइट टू लाइफ का ये भी मतलब है कि आपको वो सारी सहूलियात का आपको हक है जो आपको एक फ्री ज़िंदगी जीने दे। तो ये अगर आप देखें कि जो हमारा जो बेसिक जो आईन है वो ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी तो कर रहा है, और उसमें एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी दिया गया है कि कोई भी जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो अदालत हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल कर सकता है कि कोई ऑर्डर हो कि मुझको ये हकूक़ मिले। तो इस तरह मैं कहूँगी कि ऑन पेपर अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो कई हकूक तो हमारी रियासत ने हमको इन अ सेंस वादा किया है कि ये है, और हम उस रियासत को अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं कि ये हक को हकूक वायलेट हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की और इन्फोर्समेंट की, उसमें जाहिर है कि वो जो पूरा हमारा जो जो हमारे जो सारे पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मैं कहूँगी कि उसमें जो
जो जो एक तिद्दशाही का है, पेट्रियार्की एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे पावर स्ट्रक्चर का, उसके साथ साथ जो हमारी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक बहुत अहम हिस्सा है, जो हमारी फ्यूडल क्लास है वो बहुत अहम हिस्सा है, हमारे यहाँ जो मिलिट्री एलीट्स हैं वो एक, तो वो पूरा एक वेब इन अ सेंस क्योंकि एग्जिस्ट करता है, तो वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत रुकावटें सामने पेश करता है, और इस वजह से ये जो हकूक हैं जो हमारे आईन में हैं वो गारंटी तो किए गए हैं ऑन पेपर, लेकिन उनको एक्चुअली हासिल करना बहुत मुश्किल है। आज भी सारा जैसे जो आप बात कर रही हैं, कोर्ट हमारा एक तो इंसाफ दे या इंसाफ करे, मगर बात कहता रहता है कि फलां कैदी को जो है पेश करो, मगर ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल तो ऐसा मतलब ही ये है। कोर्ट के ऊपर भी कुछ है, ये जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएगा बगैर उनके इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट कराए कि चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। जैसे बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक ही मिसाल ये है कि जो हम मिसिंग पर्सन्स या मिसिंग एनफोर्स पर्सन्स की आप डिसअपीयरेंसेस बात की करती बात हैं, करते बिल्कुल हैं, तो अब जैसे सिंध हाई कोर्ट में तो एक पूरी बेंच है, एक कैटेगरी है जज की जो कि सिर्फ मिसिंग पर्सन पिटिशन सुनेगी, तो जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी फैमिली या कोई भी जो उनका उनके जानने वाले हैं वो एक जिसे हम कहते हैं हेबियस पिटिशन वो कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि ये मिसिंग हैं और हमें शक है कि इनको किसी इदारे ने ठीक है, उठाया है। तो अब एक पूरा अब ये जज है मुकर्रर किए गए हैं कि वो इस इन पिटिशंस की सुनवाई करेंगे, लेकिन अब क्या होता है कि वो समन करेंगे पुलिस को कि आपने ढूंढा ये कहाँ गए, तो पुलिस कहेंगे कि हमें नहीं पता, तो शायद वो समन करेंगे किसी रेंजर्स को, वो कहेंगे कि हमें हम नहीं हमारे पता, पास नहीं है। वो समन करेंगे होम डिपार्टमेंट में किसी सीनियर ऑफिसर को, तो वो भी आके कहेंगे कि हमें नहीं पता, या वो आके कहेंगे कि हमने पूरी कोशिश की है ढूंढने के लिए, हमें ये खदशात है कि शायद वो किसी इंटर्नमेंट सेंटर में है केपी में, हम उन्हें कहाँ से लाएं, तो ऐसी फिर सुनवाई और होती ये 6 महीने, जाएगी, 1 साल, 2 साल, और ये कई दफ़ा तो होता है कि 6-5 साल 5-6 साल चलने के बाद वो कई दफ़ा, और हमें ऐसे केसेस होते हैं कि वो फिर वापस आ जाते हैं घर वो लोग जो जी उठाए गए हैं, और वो रिसेंटली ही जब मैं कोर्ट में थी तो मेरे सामने ही कोई पेश हुआ था जज के सामने, वो फैमिली के साथ आया था और वो 6 साल के बाद वो वापस अपने घर आया है, और उसको ओपन अदालत में जज ने पूछा कि फिर आप कहाँ थे, आपको किसने उठाया, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे हालांकि पूरे कोर्ट रूम में आई थिंक सबको अंदाज़ा तो था कि कहाँ से वो कहाँ आ रहा से है। और क्यों, लेकिन अब उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई कि अब ये क्यों जिन जिन जिन्होंने उसको उठाया है उस वो कौन थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी वो भी नहीं हुई और ना होती है। तो बस ये एक मिसाल है कि एक हमने एक सिस्टम, अब कानूनी तौर पर आइनी तौर पर कानूनी तौर पर ये जो हुआ ये तो गलत है, हम कानून तो कहता हमारा आइन भी कहता है कानून भी कहता है बल्कि कि गैर कुछ कानूनी कुछ है। चीज़ें तो ऐसी भी हैं सारा, कि वेस्ट में भी वो चीज़ें नहीं हैं जो आप, जैसे ये ट्रांसजेंडर के ऊपर आपने एक बिल पास किया जो अब जो है वो रिवोक हो गया है, उसको शरीयत बिल ने, शरीयत कोर्ट ने जो है उसको कहा है कि इसको स्टे ले लिया है, या तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो बिल था क्या, मैं सुनने वाले और देखने वालों के लिए, और जो शरीयत फेडरल कोर्ट ने जो है उसके ऊपर रूलिंग दी है कि ये अगेंस्ट इस्लाम है तो क्या है, और आप फोर फ्रंट के ऊपर उसके ऊपर बात कर रही हैं और उसके ख़िलाफ़ आप जद्दोजहद कर रही हैं उनके ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन के साथ, अलायंस के साथ, तो ये सब क्या है? ये आजकल आप ये ज़्यादा अखबारों में भी आया और सोशल मीडिया पे भी है, तो इसके बारे में पहले तो बिल के बारे में बताएं, ऐसी क्या चीज़ उनको राइट्स दे दिए थे जो नहीं देने चाहिए थे या जो ख़त्म किए गए? तो ये 2018 में कानून पास हुआ था और ये फेडरल कानून है, और ये वाकई एक बहुत एक लैंडमार्क प्रोग्रेसिव ये चीज़ मैं कानून कह रहा था। हूँ कि जी कुछ जी चीज़ें जी वहाँ पे भी उसकी पॉइंट्स
सेगमेंट्स नहीं थे इम्प्लीमेंटेड जो यहाँ पे आ गए थे। जी 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 इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि कानून कहता था है कि जो एक इंसान की सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है वो रियासत रिकग्नाइज करेगी। तो इसका ये मतलब है कि जो जो डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर पर्सन की वो ये है कि जो उनकी जो जो आइडेंटिटी है जो जेंडर आइडेंटिटी है वो उनका जो उनको बाय बर्थ जो सेक्स असाइन किया गया है उससे मुख्तलिफ है। जैसे अगर किसी को बाय बर्थ फीमेल एक जेंडर असाइन किया गया है लेकिन जब वो थोड़े बड़े होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता शऊर आने लगता है तो उनको ये लगता है कि ये उनकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, वो फीमेल उनकी जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, वो या तो अपने आप को मेल समझते हैं या हो सकता है कि वो अपने आप को थर्ड जेंडर समझते हों। तो ये एक डेफिनेशन है ऑफ बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो हमारे जो 2018 का कानून है वो ये कहता है कि जो स्टेट है वो आपकी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी को कबूल करेगी, जो आप कहेंगे वो मानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए कानून में कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको कहीं से सर्टिफिकेट लाना होगा या चेकअप लाना होगा या कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये सिर्फ तब होगा अगर आपकी वाकई कोई आपकी फिजिकल ऑर्गन्स में कोई ऐसी क्वालिटी ट्रेट हो या क्वालिटी हो, ऐसी कोई क्राइटेरिया भी नहीं थी। इट वॉज़ इंटायरली बेस्ड ऑन आपका जो अपना शऊर आपकी कॉन्शियसनेस। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ जेंडर आइडेंटिटी ये अब जो पूरी ग्लोबली जो मेडिकल कम्युनिटी साइंटिफिक कम्युनिटी जिस तरह सेक्स और जेंडर को अब समझने लगी है वो उससे बिल्कुल कंसिस्टेंट है। सो इट्स कम्प्लीटली कंसिस्टेंट विद द साइंस। लेकिन अब जाहिर है सोशली अब ये जो 2018 में कानून पास हुआ था जैसे मैंने कहा कि उस टाइम कम मुल्क थे पूरी दुनिया में जो इस तरह रिकग्नाइज करते थे और वो इसलिए कि हर जगह एक एक सोसाइटल रेजिस्टेंस तो होता है क्योंकि जो एक जो जो सेक्स और जेंडर है किसी भी माशरे में एक बहुत ही बुनियादी आप कह सकते हैं बुनियादी डिफरेंस है राइट। और हमारी जो पूरी फैमिली से लेकर सोशल स्फीयर पॉलिटिकल स्फीयर में जो जो जेंडर रोल्स हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं हमारी सोसाइटी में। और वो इसलिए भी क्योंकि जो जो पेट्रियार्कल निज़ाम है वो उसकी तो बुनियाद ही यही है कि मुख्तल दो जेंडर्स होते हैं, एक जेंडर जो मेल जेंडर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फीमेल जेंडर है वो वीक है। तो अगर जो पूरी जो 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 ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है और अब जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है वो तो इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि ये जो जेंडर है और जो सेक्स है ये कोई फिक्स्ड परमानेंट चीज़ तो है ही नहीं, राइट, इट्स नॉट कांस्टेंट। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि ख़ासतौर पे वो जो सेक्स जो जो आदमी है सेक्स असाइंड एट बर्थ इज मैन दे कैन वॉलंटरली सरेंडर देयर मेल आइडेंटिटी राइट। तो अगर ये होने लगा तो फिर जाहिर है इसमें हमारी जो पेट्रियार्की और जेंडर रिलेशंस हैं उसमें तो थ्रेट होगा। तो खैर इस तो ये बुनियाद है रेजिस्टेंस की और 2018 में ये कानून पास हुआ और वो इस वजह से कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनका उन्होंने बहुत मेहनत की, वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड थे, उनकी कई सालों की ये जद्दोजहद है और इसी वजह से 2009 और 10 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि इनको CNICs मिले जाएं। तो उनकी जो एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी वो थी जब सुप्रीम कोर्ट ने नादरा को डायरेक्ट किया कि इनको CNICs। अच्छा, पहले CNIC भी नहीं मिलते थे उनको? जी, उनको बहुत मुश्किल कि उनकी जो CNIC जो उनकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी रिकग्नाइज कर रहे वो उनको नहीं मिलते थे। ओके, राइट। और उनको फिर मुश्किलात भी पेश आती थी क्योंकि जब वो नादरा ऑफिस जाते थे और अगर उनका अपीयरेंस मुख्तलिफ होता था फ्रॉम देयर बर्थ सर्टिफिकेट तो फिर उनको डिनाई किया जाता था। तो उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था और उस वजह से ये कानून पास हुआ और उसके फौरन बाद तो इतना बड़ा बैकलैश नहीं हुआ लेकिन ओवर टाइम आई थिंक जब ये अवेयरनेस ज़्यादा भरी कुछ जो हमारे जो कुछ कंजर्वेटिव राइट विंग सेगमेंट्स हैं उनमें तो उसी दौरान फिर एक चैलेंज उन्होंने किया
फेडरल शरीयत कोर्ट में इस कानून को, और फिर साथ साथ उन्होंने पब्लिकली और मीडिया में भी काफ़ी कैंपेन्स चलाएं कि ये कानून जो है ये गैर इस्लामी है और इस कानून से यू नो अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी। और मतलब बी स्पेसिफिक, क्या गैर इस्लामी है कि आप ख़ुद नहीं बता सकते कि जी मैं आदमी हूँ कि मैं औरत हूँ, कि इस्लाम में आपकी सेक्स और जेंडर एक ही चीज़ है, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो इफ़ यू हैव बीन असाइंड मेल सेक्स एट बर्थ देन यू हैव टू लिव विद दैट। उनका ये भी कहना था कि आपको अपना सेक्स ना तो आप अपनी मेंटली भी नहीं, साइकोलॉजिकली भी आपका सेक्स वही होगा, जेंडर वही होगा, बल्कि आप थ्रू एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन आप अपना सेक्स बदल भी नहीं सकते। ये भी गैर इस्लामी है, इनका ये भी एक मुतालबा था। अच्छा, और सारा मुझे ये बताएं, सॉरी मैं इंटरप्ट किया मैंने आपको, कि ये ना मिलने से इनको राइट्स, ये वाला राइट ना मिलने से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या नुकसान हो जाते हैं? तो अगर उनके आईडी के ऊपर मेल लिखा हुआ है से, और मेल से उनकी सारी चीज़ें चल रही हैं, मगर वो चाहते हैं कि कुछ चेंज हो वहाँ पे, मेल से फीमेल हो जाए, वो उसके साथ मेल के साथ अपनी चीज़ें नहीं चला सकते। बिल्कुल। और उनका और जैसे जो मैं जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ख्वाजा सिरा। अब वो उनकी जो एक ख्वाजा सिरा आइडेंटिटी है वो अपने आप को थर्ड जेंडर समझते हैं, तो उनका ये मुतालबा नहीं है कि हमको नेसेसरली फीमेल का आईडी कार्ड मिले। उनका यह है कि हमको थर्ड जेंडर ख्वाजा सिरा, या अगर आप एक्स भी कहें, वो भी रिकग्निशन उनके लिए काफ़ी है। अच्छा। तो अब तो ये उनके लिए एक बहुत बुनियादी हक है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि उनका जो बिल्कुल जेंडर एक्सप्रेशन है, जो उनका अपीयरेंस है, वो तो उनके सेक्स असाइंड एट बर्थ को टिपिकली मैच नहीं करता। तो जब वो किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं, इंक्लूडिंग नादरा, तो उनका एक पूरा एक वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो ये कह रहा है, लेकिन आपका अपीयरेंस ये है, आपका जेंडर एक्सप्रेशन ये है। तो और क्योंकि अगर रियासत उनके थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज़ नहीं करेगी, तो उनको हर स्टेज पर ये मुश्किल सामने आएगी। और यहाँ मैं अपने दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि अब चीज़ें सारी कंप्राइज्ड हो गई हैं, अगर आपका आईडी नहीं बन रहा है तो आप ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना पासपोर्ट बन सकता है, कुछ भी, हर चीज़ आप आपका आप वोट भी नहीं कुछ कर भी सकते, नहीं कर सकते तो हैं आप, तो एक सिटीजन के जो राइट्स हैं वो आप उनसे ही ख़त्म हो है। जाता है। बैंक अकाउंट खोलना, मतलब कुछ भी नहीं करना, कर सकते, फोन सिम नहीं ले सकते, तो बेसिक चीजें फिर आप नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम वो फेस कर रही है कम्युनिटी, मतलब एनरोलमेंट, स्कूल एनरोलमेंट, एनरोलिंग टू टेक योर एग्जामिनेशंस, ये सब उनको उनके लिए फिर मुमकिन नहीं रहता। और सारा, आप एडवोकेट हैं, आपने भी चीजें देख रही होंगी, और अगर आप उस अपील के खिलाफ आप लड़ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई गैर इस्लामी चीज़ है? वो वैसे तो जजमेंट कोर्ट ही देगा, मगर मैं वैसे समझना चाह रहा हूँ। जी जी, नहीं, हमारे आपने उनका भी व्यू पॉइंट तो देखा होगा ना कि क्या मसला क्या आ रहा है उन्हें। जी जी, तो जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला है, वो जब हमने देखा तो उन्होंने खुद जिन जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं कुरान में जो आयत हैं और जो हदीस हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनमें कहीं नहीं ये नज़र आता कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी गैर इस्लामी है। जैसे उन्होंने एक कुरान आयत का रेफरेंस दिया है जिसमें ये कहा, बल्कि ऐसे कई हैं, आई थिंक 2 या 3 हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि यू नो अल्लाह ने मर्द और औरत को बनाया, गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमन। तो इससे फिर फेडरल शरीयत कोर्ट कहती है कि इसका ये मतलब है कि सिर्फ दो जेंडर्स रिकग्नाइज। अब ये तो नहीं लिखा ना कि सिर्फ मर्द और औरत बनाया और कोई जेंडर कुछ बनाया नहीं, नहीं। ये तो नहीं लिखा, दी जस्ट आइडेंटिफाइड टू, बट ये तो नहीं कहा गया कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ दो हैं। तो और ये कहीं उन्होंने ऐसी आयत नहीं कोट की या कोई इंटरप्रिटेशन के सिर्फ दो जेंडर्स ही हैं।
तो और इसके अलावा इन्होंने हदीस पे रिलाई किया कि उस हमें ये पता है कि जो अर्ली इस्लामिक सोसाइटी थी वहाँ पर उस टाइम में कई जिसको हम अभी कहेंगे ख्वाजा सिरा या वो कॉमन थे, दे हैड दे वो कॉमन इन सोसाइटी एट दैट टाइम, और उनका सोशल रोल्स भी होते थे सोसाइटी में. तो ये तो इस पे कोई डिबेट नहीं है. और लेकिन उन्होंने एक हदीस को कोट किया है कि उस टाइम में उसको जो अरबिक है, शायद मेरी प्रोनंसिएशन गलत है, लेकिन उनको मुखन्नत कहा जाता था. मुकन्नत अब मुखन्नत को आप समझेंगे या ख्वाजा सिरा भी हो सकते हैं, या हम जिसको यूनिक कहते हैं वो राइट भी हो सकते हैं. डायरेक्टली ट्रांसलेट, वन ऑन वन ट्रांसलेट करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, लेकिन ब्रॉडली हम ये समझेंगे. तो एक ये हदीस है कि जब आ, 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 हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो अपने घर गए तो वहाँ पर एक मुखन्नत मौजूद थे, और वो आई थिंक बीबी आयशा मौजूद थी वहाँ पर. तो वो किसी औरत का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने उनकी उनके जिस्म का कोई ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया था जो कि हज़रत मोहम्मद को अच्छा नहीं लगा. तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे घर से निकल जाओ. ओके नाउ दिस इज़ द हदीस. अब इस हदीस से फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कंक्लूड किया है कि इसका ये मतलब है कि ख्वाजा सिरा या यूनिक तो अर्ली इस्लामिक सोसाइटी में बिल्कुल बैनिश कर दिए गए थे. अब ये तो नहीं लिखा गया कहीं. ये तो आप अगर मैं कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल आपने जंगें की हैं तो जंग तो आपने ह्यूमन बीइंग से की है, तो ह्यूमन बीइंग को बैनिश थोड़ी कर दिया जब आप, मतलब एग्जैक्टली ये तो ये उस तरह की बात हो, एग्जैक्टली ये तो उससे हदीस को अगर आप पढ़ें तो उससे वो क्लियरली ये एक लगता है पर्टिकुलर कि आदमी से उनको नाराज अच्छा हुए नहीं. होंगे, तो उससे कहा कि आप एग्जैक्टली जाओ। बिल्कुल. और कहीं और हदीस उन्होंने रिफ़र नहीं किया ये कि उस सोसाइटी में जहाँ पर हमें पता है कि मुखन्नत प्रोमिनेंट थे उनको कभी बैनिश किया गया हो या बैन किया गया हो, या एज अ होल ब्लैंकेट बैन नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल्स को शायद, वो भी क्योंकि उन्होंने शायद कुछ किया हो या कहा हो. तो हमारा ये कहना है कि अगर अगर उन्हीं की अगर हम देखें कि कुरान और हदीस की आर्गुमेंट्स को हम देखें, हमारा तो एक मुतालबा है कि एक इंसानी हकूक़ की पर्सपेक्टिव से इनको हकूक़ देने चाहिए. लेकिन अगर कुरान और हदीस को भी देखें तो वहाँ पर तो कहीं नहीं हमें नज़र आता कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को गलत समझा गया हो या ऐसे उसको ऐसे ट्रीट किया गया हो कि हम ये इंटरप्रेट करें कि कानूनी तौर पर उनको उनको नहीं एक्सेप्ट किया जा अच्छा सकता. सारा ही मुझे ये बताएं कि एक पाकिस्तानी इस्लामिक मुल्क तो नहीं है, व्हाट अबाउट सऊदी अरेबिया, ईरान, मलेशिया, टर्की, यहाँ पे क्या मामलात हैं रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर? उधर की गवर्नमेंट्स जो हैं उनके क्या स्टैंड्स हैं बिल्कुल ये टुवर्ड्स भी ट्रांसजेंडर? बिल्कुल. अब ईरान जैसे एक एग्जांपल है. ईरान में ये एक फतवा पास किया गया था आई थिंक सम टाइम इन द 80s कि जो ट्रांसजेंडर वुमेन हैं उनकी सर्जरी परमिसिबल है, अच्छा ठीक है, बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक लॉ इन द शिया ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक ओके है. तो ये एक फतवा है और ईरान में होती हैं सर्जरीज, और इनफैक्ट इंटरनेशनली कई लोग जाते हैं ईरान टू गेट देयर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज परफॉर्म देयर. तो ईरान में तो एक ये है. और ये एग्जांपल हम सामने लाए कोर्ट के कि एक और इस्लामिक ममालिक हैं जहाँ पर ये स्पेसिफिकली अलाउ किया जाता है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया. दे डिड अच्छा नॉट कंसिडर दिस. सिमिलरली एक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अल अज़हर यूनिवर्सिटी का भी एक फतवा है अच्छा कि जेंडर रीअसाइनमेंट और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इस्लाम में परमिसिबल है, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज किया गया. जी अच्छा चलें अब ये बताएं कि ये जो आप जंग लड़ रही हैं इसमें आप लगता है, और फिर वही टाइम 2018 की हम बात कर रहे हैं, आज 2023 में बैठे हुए हैं, जी तो जी कोई डिसीजन आएगा, कोई कामयाबी मिलेगी, या बस ये चलते ही रहेंगे प्रोसेस? देखिए इसमें एक ये है बात
अहम बात यह है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो हमारे आईन में ये लिखा गया है कि जब वो अपील किए जाएं बिफोर सुप्रीम कोर्ट तो वो सस्पेंड हो जाते हैं, स्टेटस को पे आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी एज ऑफ नाउ फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला फील्ड में नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि 2018 की एक्ट वही है जैसे पास की गई, दैट इज इन प्लेस। मगर जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर वो तो फेस कर रही है मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स। वो फेस कर रही है क्योंकि इस बात को मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है, जैसे नादरा ने रोक दिए थे NIC इशू करना है। बिल्कुल, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि अभी उन्होंने शुरू अगेन क्योंकि आई थिंक हाई कोर्ट भी और ऑम्बिस पर्सन के सामने भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने, तो इस वजह से अभी नादरा ने एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड अब रिज्यूम कर दिया है। तो आई थिंक कि क्योंकि शायद हमारे इदारों को सही समझ नहीं है कि अभी फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला फील्ड में नहीं है, तो शायद वो इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन कानूनी तौर पर अभी 2018 की जो एक्ट है इट विल रिमेन इन प्लेस अंटिल डिसाइडेड अदरवाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये कब तक डिसीजन आ जाएगा वो अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो कब लिस्ट करे पिटिशन और कब हियरिंग हो, तो ये अब कहना मुश्किल है कि कब। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसजेंडर के अलावा आपने ये जो अर्ली मैरिजेस चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसके ऊपर भी आपने बहुत आवाज़ आपकी सुनी गई, फिर ये सिंध के अंदर ये क्या मामला था कि आपने कहा कि ये ट्राइबल नहीं है बल्कि ये गैंगस्टर्स है पूरे पूरे करके अपने आप को ट्राइबल शो कर देते हैं, एक आर्टिकल आपका ये भी नज़र से गुजरा मेरे, तो ये क्या है? ये एक्चुअली इसमें क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि शायद जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं डॉन और ये शायद इतना कवर नहीं करते, लेकिन पिछले कुछ सालों में वायलेंस सिंध में काफ़ी बढ़ गया है, क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है और कुछ जगहों में, नॉट अक्रॉस द बोर्ड बट कुछ जगहों में, और जो कुछ रीसेंट केसेस जो हाईलाइट हुए हैं तो उस पर विमेंस एक्शन फोरम जो एक बहुत प्रोमिनेंट तंजीम है वैफ जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेमिनार रखा था ऑन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट इन सिंध, और उसमें कुछ काफ़ी पर्सपेक्टिव सामने आए कि ये क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहत है, और वहाँ पर पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे तो उन्होंने भी कुछ बात की कि वो उसको रोकने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो कुछ मैंने सुना और समझा इसमें तो ये लगा कि ये जो जो जिसको हम कहते हैं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो एक जो कुछ जो ग्रुप्स हैं जो वो वांट टू इंगेज इन क्राइम, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, और वो अपने और उन्होंने अपने क्राइम को आगे बढ़ाने के लिए ग्रुपिंग्स और गैंग्स बनाई हुई हैं, और उनको कई दफ़ा एक ट्राइब का नाम दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो ग्रुप्स हैं या जो गैंग्स हैं इनकी वाकई एक जो जो ट्राइबल एफिलिएशन जो हम समझते हैं कि एक काफ़ी टाइम से या सदियों से चली आ रही है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन उसको एक ऐसी नौयत दी जाती है और उसकी कुछ वजूहात हो सकती है, ग्लैमराइज कर दिया जाता है मेरे ख्याल में, कुछ ग्लैमराइज कुछ ये कि अगर हम एक ट्राइबल इसको नौयत देंगे तो फिर हमें ज़्यादा पावर असर्ट कर पाएंगे, शायद लोग ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाएंगे, लॉ इन्फोर्समेंट ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाएगी, या अगर तो बेसिकली अपना दिखाने के लिए कि अपना एक क्रिमिनल गैंग अपना पावर असर्ट करने के लिए एक उसको एक ट्राइबल नौयत दे देती है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, और कुछ जो मुझे अंदाज़ा हुआ वहाँ पर बात से कि कई दफ़ा मीडिया भी उसको एक ट्राइबल नौयत दे देगी, राइट, तो अपना TRP चाहिए। बिल्कुल, तो अगर कोई क्राइम हो जैसे इवन रिसेंटली दिस वाज इन ये सदर्न पंजाब में हुआ था कि एक औरत का रेप रिपोर्ट हुआ था और आई थिंक ये डॉन की हेडलाइन थी दैट ट्राइबल वुमन इज रेप्ड। अच्छा, नाउ हाउ डू वी नो दैट दैट रेप हैड एनीथिंग टू डू विद ट्राइबल एफिलिएशन, यू नो, लेकिन उसको एक ये नौयत दी जाती है।
अब उसको भी शायद क्योंकि ग्लैमराइज करने के लिए, या कई दफ़ा जब क्राइम होता है तो हो सकता है कि कुछ लोग हों जो चाहें कि उस क्राइम में वो एक पूरे ग्रुप को या ज़्यादा लोगों को इम्प्लिकेट कर दिया जाए, राइट? क्राइम तो एक ने कमिट किया हो, लेकिन ये एक मौका होता है FIR कट कि रही है तो हम 20 के खिलाफ कट रही है, तो वो डाइल्यूट हो गया ना चीज, राइट? एग्जैक्टली तो वो चीज़ डाइल्यूट हो गई. या अगर आपने एक पूरी ग्रुप को हरास करना है तो आप ये दिखाएंगे कि इसका जो इसके साथ जो हुआ वो एक पूरा ग्रुप मोटिवेटेड क्राइम था, तो फिर तो आपने वो पूरे तो ग्रुप को आप उनको हरास कर सकते हैं या उनका अरेस्ट करवा सकते हैं और समथिंग. तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन आई थिंक कि ये हमको सोचना भी चाहिए कि कई दफ़ा जो हम चीज़ें जो सोशल फिनोमिनॉन देखते हैं हम उनको शायद एक लेबल दे देते हैं, जो कि मुझे भी लगता है कि कुछ एक कोलोनियल हैंगओवर भी है, राइट? टू सम हाँ एक्सटेंड इट्स अ बिल्कुल, कोलोनियल हैंगओवर. तो लेबल्स के आगे भी देखना चाहिए कि एक्चुअली जो ऑन द ग्राउंड चीज़ें हो रही हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं. बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके अलावा हैरेसमेंट के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है। मैं पहले ही मैं कह चुका था आपके हर काम के ऊपर पूरा पूरा पॉडकास्ट है, मगर हैरेसमेंट के ऊपर भी आपने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और हैरेसमेंट जो है वो उसमें नहीं आती। एक रूलिंग थी कोर्ट की मेरे ख्याल जी में जी 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 कि जी ये सेक्सुअल मतलब हैरेसमेंट नहीं है जी जी तो जी इसको ख़त्म कर दो, मगर हैरेसमेंट में भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी डिफाइन करने में। बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, जब भी कोई प्रोग्रेसिव कानून आता है सामने तो उस कानून को पास होने ही में काफ़ी रेजिस्टेंस होती है, और जब वो पास हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि हर जगह से कोशिश होती है कि इस कानून को इम्प्लीमेंट सही से या लूप होल ना को ही किया, निकाल कोई लूप लो। होल हाँ निकाल लें उसको, बिल्कुल. तो ये 2010 में जो कानून पास हुआ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्कप्लेस एक्ट, ये भी ये एक लैंडमार्क एग्जैक्टली कानून था. एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में इस तरह का कानून पास होना एक अगेन क्रेडिट बड़ी गोज़ बात टू थी वुमेन फिर एक्टिविस्ट एंड टू वुमेन पार्लियामेंटेरियंस. उस टाइम जो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस जो उनका पार्लियामेंट बड़ा में थी काम उनका है। भी बहुत बड़ा काम था इसमें. तो अब जो जो डेफिनेशन थी हरासमेंट की उसको उसमें तो हरासमेंट की जो डेफिनेशन थी वो जो मेरी तरफ से तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन फिर सवाल उठा जब ये केसेस हाई कोर्ट्स में आने लगे कि क्या किस किस्म की हरासमेंट इस कानून के एम्बिट में आती है. तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2020 में, फिर 2020 में आई थिंक, या 2021 की बात है मे बी, कि सिर्फ जो ओवर्टली सेक्सुअल कॉन्डक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ हरासमेंट, हैरेसमेंट, बिल्कुल. लेकिन इसमें ये था कि जिस सॉरी तरह अगर आप कानून को डेफिनेशन को देखें और अगर उसको आप पूरे स्कीम के तहत देखें तो नॉट ओनली सेक्सुअल कॉन्डक्ट बट ऑल्सो कॉन्डक्ट बेस्ड ऑन जेंडर रूटेड इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, राइट? डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल. तो खैर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इस कानून में तरमीम आई जिसने क्लैरिफाई कर लिया कि कॉन्डक्ट विच इज़ बेस्ड इन जेंडर ऑन वो भी जेंडर हैरेसमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन विल बी कंसिडर्ड तो हरासमेंट. तो मतलब अब तो वो चीज़ कानून सेटल हो गई है। और जी ये जी डोमेस्टिक वायलेंस का भी कानून मेरे ख्याल में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी है, मगर जी उसका भी मैं आपकी कोई इंटरव्यू में देख रहा था या आपका आर्टिकल देख रहा था, वो पुटअप ही नहीं हुआ था, कोई केस ही नहीं आया था। पहला केस भी वो शायद आप ही ने लड़ा सिंध में जी. तो सिंध पहला सूबा था जिसमें ये कानून जी। पास हुआ. फेडरल तौर पर कोशिश की गई 2009 में और फिर 2011 में, लेकिन फेडरल लेवल पे इस कानून को पास में काफ़ी रेजिस्टेंस थी, खास तौर पे फ्रॉम द रिलीजियस पार्टीज़. पर सिंध में पास हुआ इन 2013. इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव लॉ. इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है, लेकिन पास तो हुआ लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत रुकावटें हैं. जैसे आपने कहा कि उसके साथ केसेस ही नहीं आए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, पुलिस को अवेयरनेस नहीं थी, जजेस को ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये कानून एग्जिस्ट करता है. तो उसमें फिर आई ये एक केस था जो 2000 इसमें फैसला हुआ, 2019 में पहली कन्विक्शन हुई.
और इसके उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में जज हैं जस्टिस सलाउद्दीन पवार, उन्होंने भी नोटिस लिया कि इस कानून तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो उन्होंने भी डायरेक्शंस दिए कि जो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनको ये कानून उन समझाया जाए कि ये कानून क्या है, उनकी भी ट्रेनिंग्स हो, उनकी भी अवेयरनेस हो। तो अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और केसेस फाइल हो रहे और हैं। इसका कोई सारा निज़ाम है कि अगर कोई असेंबली में कोई कानून पास हो रहा है तो वो जज को भी बताया जाए, या वो कोई सिस्टम होता है ऐसा, जैसे आपने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि यह कानून है, जी जज को बिल्कुल, अब जैसे कानून पास होता है तो उसकी नोटिफिकेशन तो हो जाती मगर वो है पढ़े ना पढ़े ये लेकिन उसपे। बिल्कुल। और कानून तो यू नो एक मतलब वो ख़ास तौर पे जो 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 सिंध की असेंबली है उसने तो कई कानून बहुत रैपिडली पास किए हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि कानून पास हो तो फिर उसकी अवेयरनेस हो। लेकिन अब ये जो 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 हमारी जो जुडिशल अकेडमीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो नए जो कानून है वो जजेस को और नॉट ओनली जजेस बट ऑल्सो जो लॉ एनफोर्समेंट है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको बताया जाए कि दीज आर द लॉज। तो ये तो कई जुडिशल अकेडमीज़ और ब्यूरोक्रेसी ये सब उनकी जिम्मेदारी है लेकिन अब सही से इन्फोर्स और नहीं सारा होता। इसको हम रैप अप की तरफ ही जा रहे हैं। एक मुझे आप वो कंपैरिजन बताएं कि जैसे आपने ग्रेजुएशन भी बाहर से की, अपना लॉ बाहर से करके आईं, और यहाँ पे भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं अब आप लेक्चर भी देती हैं, तो यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है? हमारे अच्छे वकील पैदा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं हमारे जो अपने लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या मसाइल हैं? आई थिंक मसाइल तो हैं हमारे जो जैसे जो जो LLB का प्रोग्राम है यहाँ पर जो जो सिंध में जो इदारे हैं उनमें आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें काफ़ी रूम है फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतर करने, बेहतर क्योंकि करने का बिल्कुल। और आई यहाँ थिंक यहाँ अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले का ये हुआ है कि कोई वकील थप्पड़ मार रहा है, कोई लड़ रहा है ऊंची आवाज, आपको ना कभी ऊंची आवाज में बात करते देखा ना किसी से वो मारते देखा, तो ये जो कंपैरिजन आता है ये नहीं वुकला का मतलब वायलेंट होना तो वैसे अनफॉर्चुनेटली तो आम बात है। इसका मुझे नहीं पता कि उसका अगर हम ये देखें कि अगर उनकी एजुकेशन बेहतर हो तो शायद ये ना हो भी सकता है। बट ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये सिर्फ ये एक्चुअली बड़े सगीर में अगर अगर आप या देखें तो लॉयर्स का जैसे लॉयर्स का स्ट्राइक करना जैसे अमेरिका में जब मैं थी इट वॉज़न कॉमन एट ऑल अच्छा, फॉर लॉयर्स टू लॉयर्स स्ट्राइक इन स्ट्राइक नहीं क्लोज करता, डाउन कोर्ट्स, ओके, यहाँ यहाँ पर तो स्ट्राइक तो पूरी पूरी आम बात है। कंपेन है यहाँ। लेकिन अगर आप देखें रिसेंटली लास्ट ईयर में हमने देखा कि लंदन में बार एसोसिएशंस ने स्ट्राइक की थी एंड फॉर डेज आई थिंक क्रिमिनल कोर्ट्स वर नॉट ऑपरेशनल, और उन्होंने इसलिए स्ट्राइक की थी क्योंकि जो लीगल एड सर्विसेज हैं उनमें बहुत कट्स किए जा रहे थे। सो लॉट ऑफ लॉयर्स हु गेट देयर वर्क थ्रू लीगल एड वर नॉट गेटिंग पेड प्रॉपरली, तो उन्होंने उस पर स्ट्राइक की। अब देखिए ये जब अब हम देखते हैं कि जैसे ही सोसाइटीज़ आई थिंक जब व्हेन दे गो थ्रू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल तो ये तो ये फिर तो तो हर आएगा कोई हर वायलेंट कोई भी हो जाएगा। गया। तो अब ये कहना कि बाकी सोसाइटी अगर में इंस्टेबिलिटी है तो जाहिर है वकील और वो जुडिशरी भी भी तो बच के नहीं सोसाइटी का रहेंगे, हिस्सा हाँ हैं वो बच वो के भी तो उसी नहीं तरह रहेंगे। रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, एग्जैक्टली राइट। तो जिस तरह हमारी हायर एजुकेशन किसी भी फील्ड में उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं तो इस तरह वही लॉ इसी तरह लीगल लॉ में। एजुकेशन में भी होगी। बिल्कुल चलें सारा, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मोर पावर टू योर स्ट्रगल, आप इसी तरह काम करती रहें, और आपसे दोबारा जो है वो फिर इंटरव्यू भी करेंगे, फिर किसी वक्त किसी और मौजू पर बैठेंगे। ओके बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।